हे गणपति बापा, मेरे दोस्त चंदू को थोड़ी सी अकल देना। यार मांगना है तो मेरे लिए चार पैसे मांग लेते। चार पैसे तो मैं तेरे को चैनल से भी दिलवा दूंगा, तेरे को अकल कौन दे। चलो यार ये सब बातें हो गई। वैसे जब भी फेस्टिवल सीजन आता ना तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। खुश तो होता ही, ये तो तूने प्रसाद में से केले उठाए ना, तुझे शर्म नहीं आती? पंडित जी से मांगते हैं प्रसाद। तो कोई बात नहीं, पंडित जी भी भगवान से मांगते हैं, मैंने भगवान से डायरेक्ट ले लिया। और मैंने केले नहीं उठाए, इसने भी उठाए हैं। मैंने तो अर्चना जी के कहने पे उठाए थे। हो, मैंने कब बोला? आपने जब सिद्धू जी को उठाया तो कुछ बोला था? नहीं, सीधा उठाया था ना। इनका ऐसे ही रहते हैं, मेरे को मालूम है। सपना, ये बात तुझमें बहुत अच्छी लगती है मुझे। कौन सी? जो बात कोई है ही नहीं तेरे में। फटाफट तुम लोग अंदर जाओ, गेस्ट आने वाले। चलो यार, मैंने पार्लर भी जाना है। पार्लर? ये मुंह पार्लर में तैयार हो गया है? यार मैंने सामान लेने आना है पार्लर। अच्छा, तो जो सामान लगा के तैयार होना वो तो इधर खड़ी है। आप इतनी देर से चुपचाप क्यों खड़े हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं अभी नया नया शो में आया हूँ, यानी बोलता गाना गाना सुनना, सुन लो। होठों से छू, चलो 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 यार, मेरा गीत अमर। अर्चना जी, साउथ की फिल्में बड़ी कमाल की होती हैं। वहां की फिल्में देखना बड़े कैनवस की होती हैं, बड़े बड़े सेट, ह्यूज क्राउड, खूबसूरत लोकेशन, सब कुछ लार्जर देन लाइफ होता है, चाहे वो प्यार हो, इमोशन हो या फिर एक्शन, ऑडियंस जुड़ ही जाती है फिल्म के साथ। वहां की फिल्मों में आप देखना, कभी प्यार हो रहा हो ना, हीरो हीरोइन जब खेत में रोमांटिक गाना गा रहे होते हैं, और खेत में जो मजदूर काम कर रहे होते हैं ना, आदमी औरतें, वो भी साथ में काम धंधा छोड़ के साथ में गाना लगते हैं। फसल भले खराब हो जाए, वो रोमांस नहीं खराब होने देंगे। नारे किले गिटू गिटू, नारे कटे हरे कटू हल्लू हल्लू, साथ में वो भी नाच रहे होते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। अच्छा, गांव वाले जो होते हैं वो तो अपने हीरो पे इतनी जान छिड़कते हैं ना, कि कोई दूसरे गांव से अगर हीरो के साथ लड़ने आ जाए, मारने आ जाए, तो सारा का सारा गांव लुंगी उठा के नाटकने तरह सारे वो विलन के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो उस समय लुंगी उठाते तो घुटना इतना खराब नहीं दिखता जितना वो विलन का मुंह कर देते मार मार के। साउथ की फिल्मों में आप देखो, जब विलन हीरो को मारने जाता ना, 25-30 गाड़ियां पीछे जा रही होती हैं। हाँ। लगता ही नहीं विलन है, लगता है कोई चुनाव लड़ने जा रहा है, कोई नेता, कोई मंत्री है। और इन सब गाड़ियों के सामने हीरो अकेला खड़ा होता है बाइक लगा के। जैसे ही 25-30 गाड़ियां आती ना, वो जोर से पैर मारता, ठच, सारी गाड़ियां हवा में घूम रही है इसकी बाइक को छोड़ के। क्योंकि वो जो बाइक है वो स्टैंड से ज्यादा ऑडियंस के विश्वास पे खड़ी होती है। कई बार साउथ की फिल्में हिंदी में डब होके भी आती ना, उनका मारते मारते डायलॉग भी बोलते हैं, करते ना कि हर टीम में एक ही गुंडा होता है, और टीम का गुंडा मैं हूं। है ना, तो बीच में उनका असली डायलॉग कुछ और होता ना, एलम टीम लाइम एन और राइट यूरोपन इन द टीम ऑर्डर राइट नाना था। अच्छा, विलन को मारता ठीक है, कभी कभी हीरो अपने से 3 गुना वजन वाले को पटकता है, वो बाउंस होकर वापस आता है, वो फिर आता है, मजा आ जाता है उनका एक्शन देख के। आप देखना फिल्मों में कितने भी ऑटोमेटिक वेपन यूज हो जाएं, लेकिन साउथ की फिल्मों में जब भी कोई लड़ाई होती ना, तो हीरो बगल वाले नारियल वाले ठेले से चाकू उठाता है, वो टुल्लू वाला नहीं होता जो ऐसे करके नारा? अच्छा, जैसे ही वो उठाता ना, बंदूकों वाले भाग लेते, भूल जाते उनके हाथ में बंदूक है ना, अरे अरे। और अगर किसी ने हिम्मत करके गोली चला भी दी उसी चाकू से, ये वो गोली के 4 टुकड़े करता, गोली घूम के जाके उनको लगती, वाह। वहां अगर विलन की मूछें देखो आप, इतनी लंबी और घनी होती ना, डेंसिटी इतनी होती मूछों की, और मूछों पे हाथ फेर के जब डायलॉग बोलते ना, इंड पे नारा करते चिंड पे नारा तार मर, जिनको समझ आता है वो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मूछों की तारीफ कर रहा है कि नारियल के तेल की। अच्छा, वहां की फिल्मों में एक गांव ऐसा जरूर होता है जहां हीरो के जाने के बाद डेवलपमेंट शुरू होती है। हीरो आता ना, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई भी ऐसा नॉर्मली एंट्री लेता है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा लार्ज जुर्रियों वाली बुढ़िया औरत आती है। जीवा बेटा, तू आ गया तो इस गांव की किस्मत बदल गई, वरना उस राक्षस ने हम गांव वालों पे बड़े जुल्म किए। तो सडनली जो हीरो कॉन्ट्रैक्टर की ड्रेस में खड़ा सोफिस्टिकेटेड दिख रहा ना, एकदम स्टाइल में आ जाता है, अम्मा इस गांव के बुरे दिन खत्म, और उस राक्षस की उल्टी गिनती शुरू। फिर कहीं से 4 बंदे आते हैं, कंधे पे उठाते हैं, फिर वही नारे किंडे गिंडू गिंडू, नारे किंडे गिंडू गिंडू। साउथ के लोग अपने एक्टर्स को इतना प्यार करते हैं कि उनका मंदिर बनवा के दूध से नहलाते हैं, हमने बहुत बार ऐसा खबरों में सुना है।
तभी तो वहां के सुपरस्टार जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के राजनीति में आते हैं तो जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाती है और वो भी अपनी पूरी जिंदगी अपनी जनता के नाम लिख देते हैं। ऐसी ही एक सुपरस्टार थी जयललिता जी, जिनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बन रही है तलाईवी, और उनके दमदार किरदार को जिसने निभाया है वो अभिनेत्री आज हमारे साथ मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा कंगना रनौत। अच्छा इससे पहले कि एपिसोड आगे हम लोग बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंगना की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे सीजनल फ्लू हुआ है अभी सिर्फ तो, और जो इन्होंने साउथ की फिल्मों के बारे में बताया वो बहुत पुरानी फिल्में हुआ करती थी, कोई ऐसा लुंगी डांस जो इन्होंने बताया आपको, और ऐसा सीन जो जहाँ पे एक अम्मा रो के बिलख के आपसे गांव बचाने की बात करती है, ऐसा नहीं है। पुरचय तलाईवी डॉक्टर जे जयललिता की जो फिल्म है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही रेलिवेंट है और तीन लैंग्वेजेस में बन रही है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, और वो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये एक बायोपिक है, रियल लाइफ कैरेक्टर है। जो लोग देख रहे हैं क्रिटिक्स वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छी बायोपिक आज तक हिंदुस्तान में बनी ही नहीं है। बिल्कुल कंगना, हम सब ने ट्रेलर देखा है और बड़ा ही कमाल का ट्रेलर है और आपने बड़ा ही खूबसूरत काम किया है इसमें। अच्छा कंगना एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे हुए थे, हमने ऐसा क्या कह दिया, ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में, ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, पहले तो शादी की जी, फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है इतनी सिक्योरिटी खड़ी हो तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए, तो आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो नहीं, उनकी नियत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। ये क्या है? ये वो फायर एक्सटिंग्विशर्स है। ये क्यों लिए आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती है कंगना आग लगा देती है तो रखना एक साथ में, हमने ऐसा रखा हुआ। तो इतना छोटा लेके आइए, और बड़ा रखना चाहिए था। अगर लाना है तो फिर ढंग का लाओ ना। कंगना कैसी हैं आप? मैं अच्छी थी बस, बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी आपकी, एक्सर्शन से थोड़ा मेरे को सीजनल फ्लू हो गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे पता है आप मेरे को इतना हंसाएंगे कि मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसा लग रहा है, इतने दिन हो गए कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई? वैसे ही। अच्छा एक कंगना की जितनी भी फिल्में होती हैं ना मैसेज देती हैं हमेशा, क्योंकि कंगना फिल्म की हीरो हीरोइन दोनों होती हैं, इनकी फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे ही नहीं बल्कि पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारे शो में भी ऐसा है, हमारे शो में भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक पुरुष को ऐसा पीछे छोड़ा। और हमारे शो में और भी जितनी महिलाएं हैं बल्कि उनके पीछे भी पुरुष ही छुपे हुए हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप। अच्छा आपने जयललिता जी की बायोपिक की है, हमने उनके बारे में हमेशा खबरों में सुनते थे ना कि उनके पास हजारों साड़ियां थीं, बहुत सारे फुटवेयर थे, तो जब आपने उनकी बायोपिक की आपने ऐसी डिमांड करी कि उतनी ही साड़ियां और उतने फुटवेयर मुझे भी चाहिए? हमारी जो फिल्म की डिजाइनर है नीता लूला जी, उनके इतने खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए, और अक्सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक सीन करती थी तो उन्हें कहती थी कि ये साड़ी मैं रख लूं, बहुत प्यारी है। अच्छा आप पूछती हैं? हाँ देखो पूछना भी होता है। ये मेरे ये तो नहीं पूछती, ये मेरे ही है, डोंट वरी, यहाँ से नहीं मांगती मैं। मतलब वहाँ पे इतने सारे उन्होंने ऑब्वियसली मंगाई होंगी। बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और जूते कपड़ों की मुझे कोई कमी नहीं थी। नाइस, पर ट्रेलर बहुत ही कमाल का है कंगना। थैंक यू। कंगना कितना बड़ा चैलेंज था जयललिता जी का रोल निभाना, कितनी मेहनत करनी पड़ी? ट्रेलर में तो हमने देखा है आपने कभी वेट पुट ऑन भी किया है फिर कम भी किया। देखिए हम लोग डॉक्टर जे जयललिता को सब एज अ चीफ मिनिस्टर जानते हैं लेकिन हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते, तो मेरे लिए भी जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा उसको लेके, चाहे वो जब एक्ट्रेस थी तो बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी थी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी तो कैसे बनी, क्या उसके पीछे उनको किसने इन्फ्लुएंस किया, और उनके जीवन में जो एक बहुत ही ट्रैजिक एक लव स्टोरी है उसको लेके, तो
हर लेवल पे रिसर्च करनी पड़ी और अच्छा मुझे मज़ा आया ये एक अलग वातावरण में जाके जो तमिलनाडु है वहाँ की पॉलिटिक्स को समझ के वहाँ के कल्चर को समझ के वहाँ की डांसिंग स्किल एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान के इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. कंगना साउथ में मैंने जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि अपने एक्टर्स को अपने लीडर्स को वो भगवान की तरह मानते हैं तो जब वहाँ की जनता को पता चला कि आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं तो रिएक्शन क्या मिले आपको लोगों के? सबसे पहले तो आई थिंक लोग जो हैं काफ़ी लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि जो लड़की तमिल नहीं जानती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस स्टेट से वो कैसे कर सकती हैं जो वहाँ की इतनी बड़ी हस्ती हैं. लेकिन फिर आई थिंक जब कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई जिस तरह से मैंने स्टैंड लिया तो उसके बाद लोगों ने कहा ये बिल्कुल सूट करती हैं ये इस रोल पे. अच्छा कंगना इस फिल्म में आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं जो फिल्में छोड़ के फिर बाद में राजनीति में आई तो मतलब आपका क्या प्लान है आगे? मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है. आप मुझे तो जल्दी मत भेजिए राजनीति में प्लीज. अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद देखूंगी. अगर राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों की सेवा करनी पड़ती है और भी कई काम करने पड़ते हैं ऐसा फिल्मों जैसा नहीं कि अच्छी एक्टिंग कर लो और हो गया. पर वही अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं. हाँ जी तो आप मेरे को अच्छी कैटेगरी में समझते हैं कि बुरे ही? कंगना जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी कंगना आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज. लोग आपको इतना चाहते हैं आपके इतने फैंस हैं और शाहिद भाई आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं. फिल्में तो आपकी लोग देखते हैं लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया जवाब दे दिया. शाहिद भाई तो हैं ट्विटर पे भी हैं फेसबुक पे भी हैं आप क्यों नहीं रहते सोशल नेटवर्किंग पे? आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को. उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें. जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं ये और बात. मतलब कंगना ट्विटर फेसबुक बट पता नहीं इंस्टाग्राम और खुद को इन लोगों इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से. देखा नहीं बड़ी बात है तो सच्ची है? जब कोरोना नहीं था तो मैं अच्छा खासा बिजी थी जैसे कोरोना हुआ ऐसी वेली हुई मैं. लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पे आई और जैसे लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया. जैसे मैंने 2013 में ट्विटर ज्वाइन किया और 18 तक आते आते 5 साल में कुछ कंट्रोवर्सी हुई. इनका लॉन्च ही कंट्रोवर्सी से हुआ. मैं मात्र 6 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई हूँ मेरे पे इतने केसेस हो गए. अच्छा कम से कम नहीं तो 200 FIR हर दिन मेरे पे होती थी और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बैन कर दिया और मैंने कहा चलो बला टली. आपकी मम्मी हिमाचल में रहने वाले इतने भोले भाले लोग होते हैं हिमाचल के उनको उनने पूछा नहीं कि कंगना गई तुम अकेली थी वापिस आई हो इतने बंदूक वालों के साथ? कंगना सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहती हैं नीचे लोगों के कमेंट्स बड़े फनी होते हैं तो टाइम नहीं मिलता तो हम लोग फनी कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं. हम आपके सामने कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों की क्रिएटिविटी देखिए आप. ये कंगना ने फोटो डाली है कहीं बहुत तो सारे फुटवेयर. ट्विटर आपको कहां से मिला? ये हमारी टीम है बहुत बड़ी एक आदमी की. अच्छा ये बहुत सारे फुटवेयर हैं ये आपके पर्सनल हैं कि फिल्म के हैं? मेरे पर्सनल हैं. बाप रे नीचे कमेंट्स देखो किसी ने लिखा है क्या जूते के बदले बर्तन लोगी? कपड़ों के बदले में होते ना. किसी ने लिखा है वो लाल वाली मेरी चप्पल है मंदिर से गुम हो गई थी. नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है फैन भी लड़ते हैं वही ना जो तू लेडीज संगीत से उठा के लेके गई थी. मैडम एक साइज छोटा दिखाओ ना. किसी लिखा ये तो हील स्टेशन लग रहा है. हील स्टेशन हाँ कोई वर्ड प्ले कर रहा है. अच्छा ये सबसे मजेदार कितना स्ट्रगल किया आपने मैडम
जूतों की दुकान से बॉलीवुड की क्वीन तक। इंडस्ट्री पर गहन चिंतन करते हुए किसी ने लिखा है ये खुद की शांति के लिए है या किसी और को शांत करने के लिए। नीचे लिखा अब आंखें खोल लो खिंच गई फोटो। एक ने लिखा है बस आप ऐसे ही शांत रहना आपका शुभ चिंतक। किसी ने लिखा एनर्जी बचा रही है करण जौहर पे खर्च करेगी। और भी है हमारे पास देसी स्वैग। मुझे लगा ही था आप भीम का रोल भी कर लोगे। अब किससे पंगा लेने जा रही हो। मैं तो कहता हूं पीट डालो जिस जिसको पीटना है मैं आपके साथ हूं। टुडे इज ब्रॉट टू यू बाय दिस इनक्रेडिबल चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया। आपके भी जुएं पड़ती हैं क्या मैम? और नेक्स्ट डेक हाँ कंगना मम्मी के सामने बियर पी रही हो। नीचे रिप्लाई किया अरे पेट्रोल है वो। किसी लिखा सब डूब के मर जाओ सरसों का तेल है। मसाज करवा रही हैं कंगना। मैम कालीन के ऊपर बैठ के आबरा का डाबरा बोलो ये हवा में उड़ जाएगी। मस्त घूम के आना। अच्छा नीचे कोई दीवाना है आपका कहता सासू माँ जरा धीरे इनके बाल बड़े नाजुक हैं। हेलो कंगना जी। हेलो जी। माय सेल्फ चंदू। सबसे पहले आपको आपकी फिल्म तलाईवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्लीज 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 बैठिए। कंगना जी जैसे आप इंडस्ट्री में शुरू से इंडिपेंडेंट रही है ना वैसे ही मैं भी बचपन से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। और ये इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। थोड़ा इधर आना। अभी एंट्री शुरू नहीं हुई। ये स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। ये क्या पहना तूने? इसका कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है? मेरी टांगे भी यही पूछ रही थी। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग आई हाँ एन ये तो इन हो गया। डिपेंडेंट डिपेंडेंट जब मैं हूं तो स्पेलिंग क्यों सुनाऊं मैं? आई एम कंगना जी इंडिपेंडेंट। वो सब छोड़ ये सब क्या है? ये सब शो के बाहर की दुनिया है कपूर शर्मा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा। और मेरी बात सुनो यार मैंने सुना तुम्हारे शो में काफी स्पॉन्सर्स हैं तो किसी स्पॉन्सर्स को बोल के आप मेरा गोवा का ट्रिप क्यों नहीं स्पॉन्सर करवा देते? तू गोवा ना जा तू पहले बाथरूम जा। अच्छा वहां जाके तू सोच के खाया मैंने कुछ नहीं है मैं बाथरूम में आया क्यों? गोवा करने क्या जा रहे तू? गोवा यार उधर ना समंदर में नमक कम हो गया नमक डालने के लिए जा रहा हूँ। ओह गॉड यार तुम्हें नहीं पता लोग गोवा क्या करने जाते हैं? हनीमून मनाने के लिए जा रहा हूँ मैं अकेले। साथ में डैडी को ले जाऊं फिर मैं अकेले। अर्चना जी वैसे मैंने एक चीज नोट की है क्या? कि शादी से पहले हनीमून वगैरह मना लेना चाहिए हा? क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बीवी मनाने में लगा रहता है। कंगना जी छोटी छोटी बात पे बीवी नाराज हो जाती है इसलिए मैंने सोचा है अब मैं सिंगल ही ठीक हूँ। सिंगल ही ठीक हो? बीवी की सलवार पहनोगे? इतने सवाल तो करेगी वो। ये आदमी इतना सिंगल है इसने दो फोन रखे हुए हैं कोई तो इसको करता नहीं मैसेज खुद ही एक फोन से मैसेज करता है बेबी तुमने थाना थाया? खुद ही रिप्लाई करता है हाँ बेबी मैंने था लिया तुम भी था लो। और जा यार मेरे से भी पूछ लेता गोवा जाना मैं भी चल पड़ता तेरे साथ। तुम्हें साथ ले जाकर मैंने गोवा का ट्रिप खराब कराना था। सारे ट्रिप में तो तुमने मेरे से स्पेलिंग पूछ पूछ कर मेरी मत मार देनी थी इसलिए मैंने सोचा मैं अकेला जाऊंगा और उधर जाके न्यू ईयर मना के वापस आऊंगा। न्यू ईयर में तो अभी 3 महीने बाकी है। हाँ तो कोई बात नहीं पैदल जाओ तो 2-3 महीने तो लगेंगे ना मेरे को जाते हुए। तुमने कोई मन्नत मांगी थी? गोवा पैदल कौन जाता है गोवा? कोई नहीं जाता इसलिए मैं जाऊंगा कि मेरे को घूमने फिरने का शौक है इसलिए मैं जाऊंगा। इसको बड़ा शौक है घूमने का। एक दिन मेरे को मेले में ले गया कहता घूम के आते हैं फिर वहां पे जाकर कहता यहाँ घूम जाते हैं। मैं क्यों? कहता जो बच्चे घूम जाते हैं ना उनको केले और खिलौने देते हैं वो। तो नहीं दिलाए थे मैंने तुम्हें खिलौने बताओ? और तुम बचपन की बातें लेकर बैठ गए ये नहीं कि दोस्त गोवा जा रहा है कंगना जी ये कुछ पैसे ही दे रहे तो शर्म नहीं आती सबके सामने पैसे मांग रहे? यार मैं पैसे मांग रहा हूँ पप्पियां थोड़ी मांग रहा हूँ जो शर्मा नहीं। बैग में क्या है तेरे में? माइंड योर लैंग्वेज दिस इज नॉट बैग दिस इज माई लगेज। ये पतरे वाले कच्छे को फाड़ के थैला बना लो वो लगेज नहीं हो जाता वो हैंडल लगा होता है नीचे पहिए लगे होते लगेज में।
पड़ गई ठंड। मैंने कहा था ना मत जाओ, आ गया स्वाद। ओ जिसके पास वो जुबान होती है ये उसको नहीं बोलने देता, तुम तो फिर बेजुबान हो। करवाली बेस्ती दिखा, तेरे बैग में है क्या? तेरे बैग में व्हाट इज दिस? ये मेरा कॉफी मग है, मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। नीचे लिखा हुआ भारतीय रेलवे। हाँ पापा रेलवे में थे ना। चल निकल, चलो गोवा निकलो, शाबाश। अभी टाइम है, सुबह 7 बजे की मेरी चप्पल है। चप्पल मतलब? चप्पल यार मैं चलो पैदल जा रहा हूँ तो इसलिए चप्पल ही होगी मेरी। वो मैंने चेक इन भी करना है, 2-3 मिनट पहले हमारा चेक इन होता है, ऐसे ऐसे करके ना ऐसे कर... लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं कंगना मैम के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ। चल तेरा ऑडिशन लेते फिर, या भाग के उधर से। समझ ले ये होटल है, हम बैठे हुए होटल में, तो होटल आया से पहले ऐसे थोड़ी ना कंगना के साथ बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर लेगा तू। हाँ चलो ठीक है फिर मैं आ जाता हूँ। यार रोमांटिक माहौल दो, तुम तो बेइज्जतियां वाला माहौल दे रहे हो। हाँ ठीक है चलो अंदर वापस। बिना बेल बजाए तू होटल में कैसे घुस रहा है? तो होटल में कौन सी बैल होती है भाई? तो होटल में ऐसे लोग भी कहाँ होते हैं भाई? तो अभी दस ठीक है, होटल में ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन होटल में ऐसे वेटर होते हैं। गमछा कहाँ है तुम्हारा? हाँ। गमछा क्या मतलब? ये 5-स्टार होटल है, स्टार एक दो कम कर दो लेकिन गमछा डालो कंधे पे। और वॉशरूम किधर है? आप लेट हो गए, वॉशरूम तो साफ हो गया। बदतमीजी करो, जॉब से निकलवा दूंगा। टेबल पे कपड़ा मारो। कैसे मारूं? वही कपड़ा तो आपने सलवार बना के पहना हुआ है। कंगना जी अब मेरी जो है इज्जत आपके हाथ में है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो पूरी कर दें, एक बाइट बना दें, तो मेरी लाइफ बन जाएगी इस गरीब की। सिर्फ आपने ये बोलना कि चंदू आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अच्छा आपको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ये। ये देख लो। डिजर्व करते हैं आप जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है। लेकिन सीधा मतलब कैंडल लाइट से आई लव यू। नहीं मैम ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और सचमुच मतलब आपका बस। चल तो अभी पेपर साइन करा दे कि आप मेरी धर्मपत्नी। नहीं 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 कंगना जी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक गरीब की लाइफ बन जाएगी। अभी देखना धीरे धीरे पूरा लेटेगा ये। प्लीज प्लीज कंगना जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, बस सिर्फ इतना ही। मैंने आज तक ये इतना आसानी से किसी को नहीं बोला। मैम अपना प्यार भीख में दे दीजिए, भीख। इतनी कीमती चीज भीख में? प्लीज ऐसी इतनी इतने सी भीख नहीं मिलती, छोटी मोटी। हाँ ओके आई लाइक यू, चलो गेट अप। लाइक यू तो ठीक है, लेकिन मैं अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा आप सब ने कंगना की जितनी पुरानी फिल्में हैं, जैसे गैंगस्टर हो गई, शूट आउट एट वडाला, या वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, इन सब फिल्मों में कंगना जो आपके बॉयफ्रेंड रहते हैं हीरो, वो सारे गैंगस्टर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रियल लाइफ में आपको कोई लड़का ढूंढना हो अपने लिए, तो वो कैसा होगा? आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, बोलने वाला या चुप रहने वाला? चुप रहने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना पसंद है, मुझे सुनने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बैठ के सुनो। जिम जाने वाला या योगा वाला? योगा वाला। ओके खर्चीला या कंजूस? कंजूस, क्योंकि खर्चा मुझे करना है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो भी कमाता हो। ऑफ कोर्स कमाएगा। मतलब अगर कोई वेले बंदे को आपसे प्यार हो जाए और आपका भी दिल आ जाए, तो सिर्फ इसलिए आप छोड़ देंगे कि ये काम नहीं करता वेला है? ऐसे वेले बंदे में मेरा दिल क्यों आएगा? ये बात ठीक है। फैमिली टाइप या पार्टी लवर? फैमिली। लड़का फिल्मों से होना चाहिए या पॉलिटिक्स से? अब रिश्ता दे रहे हो क्या कोई? नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मैं तो जनता एनीवे दिल से होना चाहिए। वाओ ऐसा कोई वो नहीं है कि पॉलिटिक्स हो या फिल्म्स हो। नाइस। अच्छा कंगना का इस फिल्म में एक डायलॉग है,
कि मेंदू वड़ा में छेद अंगूठे से करते हैं, उंगली नहीं करते। उंगली करना मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो, कोई लोग हुए हों जिन्होंने आपके बनते बनाए काम में उंगली की हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे आप? हेलो अर्चना मैम। हाय, माय नेम इज नितिका, आई एम फ्रॉम गोरेगांव। जी। तो मैं पिछले साल नवंबर में आफ्टर लॉकडाउन जब ईज हुआ तब मैं गोवा गई थी मेरी फ्रेंड के साथ। अच्छा। हम लोग दोनों ने खूब प्लान्स बनाए थे कि गर्ल्स ट्रिप, गोवा घूमेंगे, बाइक करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, खूब सारे प्लान्स बनाए। सडनली टांग अड़ाने बीच में उसके बॉयफ्रेंड टपक पड़ते हैं एंड मैं बहुत अपसेट हो गई कि ये क्या हुआ हमारे सारे। कितने बॉयफ्रेंड है उसके? एक ही है। अच्छा, तो आपने वो, अच्छा, हाँ, वो रिस्पेक्ट वाइज वैसा बोला आपने। नहीं, और वो जनरली टांग अड़ाता था सब जगह बीच में, तो वहाँ भी पहुँच गया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप टांग अड़ाने पहुँची हुई थी। हाँ, तो मैं इसीलिए गोवा पे तो आदमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना था, तो मैं अकेले थी वहाँ, फिर गोवा में, तो मेरी मुलाकात वहाँ किसी से हुई और फिर आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कहीं कोई टांग अड़ाने आया था बीच में और मेरा बहुत फायदा हो गया। अच्छा, तो गोवा में आपको अपना बॉयफ्रेंड मिल गया? या ओके। ये जो आपके पीछे बैठे हैं ये आपके साथ है? नहीं। तो इतनी प्यार भरी नजरों से क्यों देख रहे थे आप? मुझे नहीं पता। फोटोग्राफर है हमारे सेट का, फोटोग्राफर है। हमारा फोटोग्राफर है? तो कैमरे से फोटो खींचो, आंखों से क्यों खींच रहे हो? मैं देखा घूम के ऐसे देख रहा था उसको, ऐसे बीच में इसने ऐसे भी किया जो पुरानी फिल्मों में होता था ना। उन्होंने बताया ना गोवा में उनको मिल चुका है। हाँ, अभी कुर्सी चेंज करो अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? मैम आप बड़ी प्यारी लग रही हैं हरे सूट में और पूरा तैयार व्यार। आप कहाँ से हैं? आप ऐसे ही मेरा दिल किया बात करने में, चलो बात कर लेनी चाहिए। मुंबई से ही आए? अच्छा जी। और अभी आपने रेलवे की बात करी थी तो मेरे हस्बैंड रेलवे में ही है और GM वेस्टर्न रेलवे है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपकी बहुत ही ग्रेट फैन हूँ और शुरू से ही, मतलब जो आपका फर्स्ट शो था तब से आपका मैं देख रही हूँ। थैंक यू मैम, आई रियली लव योर कॉमेडी शो। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो अपना ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम, आज दे दो मैडम को माइक। हेलो कपिल जी। हेलो कंगना मैम। हेलो अर्चना जी। हाय। मैं डॉक्टर नीता खंडेलवाल सूरत से आई हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे को ब्लोटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। शाम तक होते होते ना मेरे मुंह सूजने लगता है। सॉल्ट कम करिए। सॉल्ट तो मैं इतना खाता भी नहीं कभी, सब्जी में ही आता है जितना आता है बस। थोड़ा एक्सरसाइज करिए। वो मैं करके आया हूँ, आज मैं करके आया हूँ। इतना क्या हंस रही हैं आप? आपने की कभी खुद पति को दौड़ाती रहती इंस्टाग्राम पे? करती हूँ मैं। और जो अल्कोहल लेते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो नहीं लेना चाहिए। सुना आपने? मुझे तो मैम ये जो अपना उसको बोलता किनुआ वाली रोटी जो होती है, किनुआ होता क्या है? किनुआ होता है कि किनुआ होता है? उसकी स्पेलिंग बता पहले तू। मेरे को स्पेलिंग मैंने पढ़ पढ़ के नहीं खाना, मैंने खाना है सीधा। तो ये अच्छी चीज होती है? या हाई प्रोटीन है किनुआ। ओके। लेकिन इंडिया में भी अपने बहुत अच्छे ग्रेन्स हैं। लाइक मिलेट्स जो होते हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, रागी, ज्वार, हाई फाइबर खाना चाहिए। तो आप हमारी बातचीत क्या शुरू हुई थी? हाँ हाँ, आप वो बताइए आपका क्या मुद्दा। ये किस्सा है हमारी शादी के टाइम का। अच्छा जी। हम लोगों का आपके हस्बैंड है साथ में? यस। नमस्कार सर, आप भी डॉक्टर हैं? नहीं। तो सर क्या करते हैं? ये प्रिंसिपल कमिश्नर है इनकम टैक्स में। ओहो, सलाम महाराज, सलाम कर महाराज। कहा सुना माफ, हम पूरा टैक्स देते हैं। अर्चना जी का बाकी मेरे को पता नहीं। जी मैम। हाँ जी। तो जब हमारी बात चल रही थी तो पता चला कि बहुत अच्छी पोस्ट पे है ये। अच्छा। और लेकिन बीच में जैसे टांग अड़ाने वाली बात थी, हमारे एक मौसी है जिनका नाम है मधु मालती, लेकिन हम ये आप बोल तो रही हैं अभी मौसी से मिलना है बाद में कि नहीं आपने? अब बात सेटल हो गई है, अब काफी पुरानी बात हो गई है। हाँ, तो उन्होंने ऐसा इनको ऐसा बोला कि अरे वो लड़की तो बहुत लंबी है तुमसे। अच्छा। और मुझे ऐसा बोला कि वो लड़का तो तुम्हारे यहाँ पे आएगा। अच्छा। तो तुम लोगों की तो जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। तो तब तक हम मिले नहीं थे, तो मतलब वो डिस्करेज कर रही थी कि आप मिलो ही मत, जाने दो रिश्ता। अच्छा। फिर लेकिन मैंने कहा नहीं, मिलना तो है मुझे। फिर हम लोग मिले, फिर हम लोगों ने देखा तो परफेक्ट, हम लोगों की हाइट भी मैच हो रही थी और फिर हमारी शादी हो गई और आज 28 इयर्स हो गए शादी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी। थैंक यू सो मच। मेरे को मेरी मम्मी का किस्सा याद आ गया। मेरी मम्मी की जब शादी हुई ना,
मैं तो नहीं था, मम्मी खुद बताया थैंक गॉड कि जिन्होंने रिश्ता करवाया ना मम्मी का तो वो मेरे पापा को लेके मम्मी के गांव गई और कोई और ही लड़की साइकिल से निकली और मेरे पापा को वही दिखाती है कि तो लड़की साइकिल भी चलाती है उन दिनों मतलब साइकिल चला रही लड़की खुद और लड़की टीचर भी है अच्छा हाँ उसके बाद मैंने मम्मी डैडी की जितनी लड़ाइयां देखी ना डैडी हमेशा ही बोलते थे टीचर बोल के शादी करवाई मेरी पर ये बात मैंने कभी बताई नहीं लेकिन मेरी माँ ने मैं बचपन में जैसे आजकल होता है ना प्री नर्सरी केजी ये वो तो मम्मी ने हमें घर पे इतना पढ़ाया था अच्छा। कि हाँ पूरी काउंटिंग और ये सब मतलब जितना भी होता है तो हमें जाके सीधा फर्स्ट में एडमिशन मिला था तो मेरे लिए तो मेरी माँ टीचर ही है लव यू माँ जी मैम बाद में मुझे पता चला कि मौसी ऐसा क्यों कर रही थी हाँ फिर क्यों क्योंकि वो अपनी लड़की की शादी से करवाना चाह रही थी अभी मौसी से रिलेशन ठीक है हाँ जी अब उनकी लड़की की भी अच्छी जगह शादी हो गई अच्छा चलिए बहुत अच्छा हुआ जी एंड ऑफ द डे क्लाइमेक्स अच्छा तो सब अच्छा है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच और कोई हमारे दोस्त हेलो कपिल सर हेलो हेलो कंगना मैम हेलो अर्चना मैम सर माय नेम इज पोमिल खत्री जी पोमी क्या सर मेरे पास ऐसा कोई किस्सा तो नहीं है पर मैं आपका बड़ा फैन हूँ तो कुछ लेके आया हूँ आपके थैंक यू पोमी क्या लेके आए आप एक पेंटिंग है देना चाहता हूँ पेंटिंग सो स्वीट ओह अच्छा सो स्वीट थैंक यू ब्रो थैंक यू थैंक यू मम्मी भी है मम्मी थैंक यू ब्रदर सो स्वीट थैंक यू थैंक यू अरे बहुत बहुत प्यारी है थैंक यू ब्रो थैंक यू जोरदार तालियां हमारी कंगना जी के लिए तलाईवी मूवी सुपर डुपर हिट हो चाचा जी आपको पता है आपका डांस बड़ा गंदा क्यों नाचते हो आके आप मैंने कहा चलो थोड़ा इनको हौसला होगा अर्चना जी को कि मैं अच्छा करती हूँ सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करा दूँ ये ठीक नहीं करवाते मेरी कुछ बातें कोई और बताए आपको तो ज्यादा दुख लगेगा आई एम मैरिड यहाँ पे ऐसे इकट्ठे किए हैं नहीं इनके बॉस हैं ये और इन्होंने ऐसे इकट्ठे किए सारे नहीं पता क्या लगता नहीं क्योंकि हमारे छोटे ही उम्र में ही शादी कर देते हैं अर्चना जी अब आपको भी पता चल गया आई एम मैरिड अब आप मुझे फोन नहीं करेंगे मेरी वाइफ होती है दिन में मेरे साथ तो मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत लॉयल हूँ अच्छा अच्छा हालांकि वो मेरे पे भरोसा नहीं करती अच्छा। क्यों पता नहीं क्यों हर वक्त मुझे ये कहती है अपने फोन का पासवर्ड नंबर दो यार क्या यार भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं है तो दिखा दो ना फोन उनको हो जाएगा भरोसा पर जो लड़कियां रात को जाग जाके मुझे मैसेज करती हैं उनका भरोसा तोड़ दूं मैं खैर मैं इधर आया आप जैसे हिमाचल में रहती हैं मेरे अपने लोग जब तरक्की करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है पता नहीं क्यों आप कहाँ हिमाचल से हैं नहीं पहले मैंने हिमाचल में पैदा होना था अच्छा वो एक्चुअली मेरे जो पापा हैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है हिमाचल में रहती थी अचानक किसी के साथ उसको भागना पड़ गया होता है देखो प्यार होता है तो लेकिन आप मनाली में पैदा हुई है ना सेम मैं भी वहीं अच्छा आप हाँ। कहाँ से मनाली में पैदा हुए एक्चुअली हनीमून में मेरी मम्मी पापा से होगी नाराज अच्छा तो पापा ने मनाली तो मैं हो गया बट काम की बात भी कर लिया करो कभी आप हाँ हाँ मैं जिस काम के लिए आया था हिमाचल में मतलब सेबों के बाग बहुत होते हैं ना हाँ जी हाँ मेरे ना ये 3-4 सेब सड़े हुए निकल आए थे तो अगर आप चेंज करवा लें तो देखो हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे ये मेरा प्यार है अच्छा अरे 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 मैं मेन तो भूल गया अभी मूवी आ रही आप साउथ में शूटिंग करके आए ना अब आप बोलोगे इडलियां भी बदलवा दो मेरी खराब निकली है यार वहां पे इडलियां सिर्फ थोड़ी होती हैं मुझे ना किसी ने ना ये कड़ा गिफ्ट किया है क्या कड़ा अच्छा। तो वहां पे ना मेरा हाथ नहीं आता अंदर तो ये थोड़ा वहां से कड़ा नहीं है ये मेंदू बड़ा है ये कहां बड़ा है छोटा सा तो है मेंदू बड़ा चलो फालतू बातें कर दी ना आपने शुरू क्या करने आए यहां बताओ आप मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं मैं बहुत बड़ा फैन हूं एक्चुअली जब आपकी क्वीन आई थी आपको बहुत फायदा हुआ था ना मेरी जब क्वीन आई तो बहुत नुकसान हुआ वो कैसे
मैं ऐसे ही तीन पत्ती खेल रहा था क्वीन तो मुझे चाहिए था इक्का आगे क्वीन मेरा सारा पैसा शर्मी आती जुआ खेलते हो आप नहीं 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 आई डोंट लाइक जुआ मैं जुआ नहीं खेलता एक्चुअली दिवाली पार्टी थी ना इधर बच्चन साहब के घर तो उन्होंने बुलाया आप इंडस्ट्री में रहना है अरे जाना ज्यादा ज्यादा हो रहा है अब ज्यादा हो रहा है चलो चंकी पांडे साहब ने बुलाया था तो चंकी पांडे माय फ्रेंड आई लव चंकी पांडे मैं मना नहीं कर सकता तो जाना पड़ता है कंगना स्टार है कैसी बातें कर रहे हैं आप यार उनका सबको पता है मैं स्टार हूँ सिर्फ मेरे को पता मैंने कितनी फिल्में जो हैं आप ही की फिल्में मेरे को आई हैं मैं नहीं कर पाया क्योंकि कुछ मजबूरियां थी कौन सी आपकी तन्नु वेड मन्नू जो थी मेरे को आई पहले तो क्यों? मैंने मना की क्यों नहीं की फिर मेरा मन्नू नहीं किया नहीं नहीं एक्चुअली क्या है कोई भी अच्छा काम करना है सिर्फ तन्नू से नहीं मन्नू भी होना चाहिए तन्नु मन्नू दोनों होंगे बंदा कहेगा यार तन्नु मन्नू से काम करता है आप कह रहे थे ना आप उनकी उंगली फिल्म भी देख के आए थे पंगा भी देख के आए थे अरे इनकी कोई भी फिल्म आती है ना मेरे को पहले ही पता चल जाता है जब पंगा आपकी आई ना तो मेरे को अभी ट्रेलर भी नहीं आया मेरे को पता चल गया इनकी फिल्म पंगा आएगी वो कैसे जब उंगली की है पंगा तो होगा ना इनकी सारी फिल्में हिट हैं इनके लिए जोरदार तालियां ये भी सुपर उपर हिट होगी ये हमारी दुआएं कहते ही आप बैकी बैकी बातें करो फिर पी के आयो ना आप हाँ पी के आया अरे पीने से उम्र बढ़ती है ये किसने बोला आपको पीने से उम्र बढ़ती है मैं बोल रहा हूँ मैंने तजुर्बा किया मैं 25 साल का था जब मैंने पीनी शुरू की आज 50 का हो गया हूँ पी के शराब पीना गलत बात है चाचा जी अरे है शराब सोच रहा है तू मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ तू ऐसा क्यों सोचता है चाचा जी आपको शर्म आनी चाहिए कितने बड़े हो गए आप और ऐसी बातें करते रहते हो मेरे को समझ नहीं है जब मैं छोटा था अरे तू इतना छोटा ऐसी बातें करता है शर्म आती जब बड़ा हो गया अरे इतना बड़ा हो गया छोटी बातें करता है शर्म मैं ऐसी बातें कहाँ करूँ कहाँ करूँ मैं कहाँ जाऊँ ठीक है आज मैं ऐसी बात नहीं करता मैं इनको एक गाना सुना लूँ वो तो आपने सुनाना ही है आपको पता था मुझे ये जरा मेरा हारमोनियम प्लीज सुर में ना बजाना मेरा खराब है होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो अच्छा गा रहे हैं नहीं अच्छा गा रहे हैं पर ये इतने बड़े महान सिंगर की गजल उठा लेते हैं ना ये डरते ही नहीं है कोई कंगना का गाना सुनाओ ना कोई ठीक है तू हो गई 1-2-2 ओ कुड़िये वटूडू तू हो गई 1-2-2 ओ कुड़िये वटूडू तू हो गई मुंडे दी तू तुरुरुरु त्रू 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 अगर इनका गाना कोई सुना हो अर्चना जी आप फरमाइश कर सकती हैं अच्छा इनका गाना चल चले अपने घर मैंने फरमाइश पूछी है ख्वाहिश नहीं पूछी यार ये फिटे मुंह ये गाना अच्छा आई एम सॉरी ये गाना तो बहुत अच्छा है मेरे दिल के बहुत करीब है ये गाना क्या बात है तो पेश है फैशन का है ये जलवा एक मिनट अरे जब आपने अपनी मर्जी का गाना होता था पूछते क्यों अर्चना से आप उन्होंने मुझे सुबह 500 रुपए दिया था कहते मेरा नाम बोल देना मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे तो फिर 500 रुपए दे देना मुझे आप 1000 देंगे ना जिस दिन मैं गाना भी आपका गाया करूंगा अच्छा ओके फैशन का है ये जलवा ये हर गाना गजल में गाते हैं और वो भी एक ही गजल में हां दोस्तों हमारे साथ फिल्म तलाइवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब भी मौजूद हैं तो चलिए उन्हें मंच पे बुला लेते हैं प्लीज वेलकम डायरेक्टर मिस्टर विजय और प्रोड्यूसर मिस्टर विष्णुवर्धन एंड मिस्टर शैलेश आर सिंह
सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे you, और बड़ी कमाल की फिल्म बनाई आपने, हम सब ने ट्रेलर देखा, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको. थैंक यू सर. थैंक यू. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैलेश जी जो हैं और विष्णु जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, शैलेश जी ने पहले भी कंगना के साथ तनु वेज मनु और जजमेंटल है क्या जो है वो फिल्में बना चुके हैं. आई थिंक और भी फिल्में बनाई आपने शायद जी, 5 जी. तो आपको सच्ची में जयललिता जी की स्टोरी में इंटरेस्ट है कि कंगना में इंटरेस्ट है ज़्यादा? एक्चुअली दोनों में. तो कंगना थी इसलिए ज़्यादा ऑब्वियस था. अच्छा, बैक स्टेज आप बड़ा बोलते हैं, स्टेज पे आके आप चुप हो गए, दो ही वर्ड में बात खत्म कर देते हैं. मैं एक्टर नहीं हूँ ना. नहीं, पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरी फिल्म को शूट करने में? ये तो पूरा आई थिंक 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा. वाह, इतने ही लंबा आई थिंक तनु अर्जुन 1 का था, उतने ही लंबा ये था. और विजय जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. विजय जी बहुत कमाल का काम किया आपने. सर आई हैव टू, मेरे को इनके बारे में बताना है कि इनसे ज्यादा हम्बल और इनसे ज्यादा अच्छे इंसान मेरे को इंडस्ट्री में नहीं मिले हैं. ही इज जस्ट टू नाइस अ पर्सन. विजय जी, जब जयललिता जी की लाइफ के ऊपर फिल्म बनानी थी तो कंगना का नाम आया, क्या आपको ऐसा कंगना में पसंद आया कि आपको लगा कि जयललिता जी की स्टोरी जो है वो कंगना ही जस्टिफाई कर सकती है? We were all very excited, first of all, when Vishnu sir told me that we were going to talk to Kangana ji regarding this script. I was so excited because we know how great performer she is. All we need is not only a star, we need a performer. This wow. film need a performance. Kya baat? Mm-hmm. 4 national awards, and we know so much powerful performance she has done already. It's not about trying to match the person or look alike, something like that. It's about how to create that aura, how right. to create that attitude on the screen. No, she is herself a strong woman. And no, again, portraying a strong woman is most important. In that wow. way, I think both are very, very strong women. Kangana ji is a perfect for the film, and I think she has given everything. Sorry, I'll just take my glasses. I'm coughing today. Oh, डर के डायरेक्टर साहब कहते हैं, मैं तारीफ ही तो कर रहा हूँ. Little bit more English, sir. I'm enjoying your English. Yeah, thank you. पर बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोले कि खाली लुका लाइक होना ही वो नहीं है, एक एक ऐसी किरदार को निभाने के लिए सामने वैसा एक्टर भी चाहिए. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मुझे सब समझ में आया है. विष्णु सर, आपने जब ये फिल्म बनाने का फैसला लिया तो ऑब्वियसली आपने जयललिता जी के बारे में सब जानते ही हैं और फिर रिसर्च भी किया होगा. आपको क्या लगता है जयललिता जी और कंगना में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? सर, बोथ आर इंडिपेंडेंट वुमेन. Both are strong personalities and they don't shy away in taking up the right voice. Like, kuch batana hai to, they just go out and say it out loud. Ji. Without bothering about the consequences. Wow. And both are actresses who have leadership qualities in them. Right. That's it. Sir, Talaivi ke... प्रोड्यूसर तो आप हैं ही, 83 को भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. हाँ सर. तो ये सारा पैसा आप लगाते हो कि आपने और भी लोग पकड़े हुए हैं और मतलब? सर, एज अ प्रोड्यूसर माय स्ट्रेंथ इज नॉट मनी. फिल्म बनाने के लिए मनी इज नॉट द ओनली थिंग दैट्स रिक्वायर्ड, इट्स पैशन टू मेक समथिंग. मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है उसको शुरू करने वाले भी हमारे विष्णु जी हैं. सर, ये जो 15th of August को आजाद हिंद फ्रेंचाइज शुरू की है, ये क्या है हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज? हमारा फ्रीडम फाइट मूवमेंट में देर आर मेनी मेनी फ्रीडम फाइटर्स हु डिडंट गेट ड्यू रिकॉग्निशन इन द हिस्ट्री. सो वी वांट टू स्टार्ट समथिंग वेयर एवरी ऑगस्ट 15th वी वांट टू रिलीज वन फिल्म बेस्ड ऑन फ्रीडम फाइटर्स हु हैव नॉट गॉट ड्यू रिकॉग्निशन. The title of the franchise is called Azad Hind, and the first film is going to be on Durgavati Devi. Okay. She is the one who inspired Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. Pehle film unke bare mein banane ke liye plan kar rahe. और मैंने एक एक चीज देखी है जो फिल्मों का इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जैसे हम लोग उस दिन भी जब अजय देवगन साहब आए थे हमारे शो पे, बहुत सारी ऐसी हमारी हिस्ट्री की ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो हमारी यंग जनरेशन को नहीं पता है.
लेकिन फिल्में क्यों, क्योंकि अट्रैक्ट करती हैं बच्चों, हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों को. सो ये बड़े बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको. कंगना, हमारे ना एक गाँव के छेड़ू लाल जी हैं. अच्छा. सामने नहीं आते, वैसे ही वीडियो कॉल करते हैं. बोलते हैं कंगना आएगी तो मेरे को दो चार सवाल पूछने. अच्छा. तो ये आएंगे वीडियो कॉल पे. अरे अच्छा, मेरे को ये बात पूछनी थी आपसे कि कोई आपको दिवाली वाले दिन कहे कि रंगोली सजा दो, तो आप रंगोली बना लेती हैं कि अपनी बहन रंगोली को ही सजा लेती हैं? ये सही, बच्चों के लिए हमने शुरू किया है, इसको ज्यादा सीरियसली लेना. हाँ, और भी अजी. कंगना जी, आपके गाल बड़े लाल है. नहीं मतलब है तो है, फिर इसमें जूड़ थोड़ी है. तो ये मतलब हिमाचल के सेब की वजह से लाल है कि ऐसे गुस्से में लाल रहते हैं? अच्छा, मैंने आपकी फिल्म देखी पंगा. तो ये पंगा आपने फिल्म में आने के बाद लेना शुरू किया है कि ट्विटर पे आने के बाद? अगला दिखाओ. और अच्छा, एक बात पे मैं बड़ा हैरान हूँ. हाँ. आपने मणिकर्णिका की शूटिंग की एमपी में, उसके बाद आपने पंगा की शूटिंग भी की एमपी में, अब आपकी धाकड़ की शूटिंग भी हो रही है एमपी में. तो आपको एमपी से प्यार है कि एमपी बनने का भी विचार है? ये लास्ट वाला सही था. शुक्रिया छेड़ूलाल जी. कंगना, को पता हम छोटी सी एक अदालत जो है लगाते हैं, तो आपकी इजाजत हो तो लगाएं जरा. हाँ जी बिल्कुल, फटाफट लगाया जाए अदालत. देवियों और सज्जनों, टॉप की अदालत में आप सभी का स्वागत है. और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज कटघरे में हमारे साथ हैं सलाइवी कंगना रनौत. और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ जज की कुर्सी पे हैं हमारे मोहल्ले की आन बान और शान खराब करने वाले न माननीय अशोभनीय श्री चंदू जी. और चंदू जी, आपसे एक दरख्वास्त है जी. ये जो अपने नानी के बाल आप सर पे लगा के बैठे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि नानी को लौटा दीजिए, क्योंकि नानी अपने घर में टकली बैठी है. चलो, मैं तो नानी के बाल वापस कराऊंगा, आप हाथी की सूंड कब वापस करके आएंगे? हाथी की सूंड कहाँ है मेरे पास? अच्छा, वापस कर रहे हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं. खैर, केस शुरू करते हैं. ऐसे क्या मतलब, क्या हिम्मत आ तो फोन उठा. हेलो 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 कंगना जी, क्या बात है, जोरदार तालियां कंगना के लिए, मजा आ गया. कितना हृदय प्रफुल्लित दृश्य है. अच्छा, देखो कटघरे में कंगना, पजामे में भालू. मेरे को मजा आ गया देख के. आज कंगना ही कंगना, आज यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस. थैंक यू. मैं आपके लिए एक शेर लिख के लाया हूँ. अच्छा जी. मेरे को वो शुरू शुरू वाला भूल गया, लास्ट वाली मेरे को लाइन याद है. क्या? आई लव यू. ओ गॉड, ये कैसा शेर हुआ? तो ये कैसा मुंह हुआ. आप बोलते भी हैं, शुक्र है आपने बोल दिया. मेरे को पहले लगा अलमारी है. मैं आके कोट टांगने वाला था इसके मुंह के ऊपर. अब मैं कैसे अलमारी हो सकता हूँ, मेरा फाटक खुलता है क्या? ज्यादा बोलना नहीं, फाटक खोल के मैंने जूते रख देने अंदर. कंगना जी, मैं आपके लिए ये फूल लेके आया हूँ. फूल? ये तो गोभी का फूल है. मेहमान के लिए बुके लाइए, बुके. ऐसे बुके का क्या फायदा, मेहमान भूखे रह जाए. इसको बनाए आप, पराठे बनाए इसके, इसका बड़ा मजा आता है. आई लाइक दिस थॉटफुल गिफ्ट. मेरे को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं. चलो ठीक है, तुम क्या समझो थॉटफुल क्या आता है, फैटफुल आदमी. देखो, मैं कसम से आपको देख के इतनी खुशी हुई, मैं तब इतना खुश तब नहीं हुआ था जब मैं पैदा हुआ था. अच्छा भाई, जब आप पैदा हुए थे आप खुश नहीं हुए थे, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं रो रहा था. अरे रोते सब हैं. नहीं, मैं रो रहा था. माय सेल्फ रजेश रोड़ा. अच्छा. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आप चलते कोर्ट में बाधा डाल रहे हैं. तो मैं चलते कोर्ट में तेरा दादा डाल दूं? कंगना जी, कौन है ये टर्किश चुड़ैल?
और मैं जज हूं यार। हाँ, और जज के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में मैं तुम्हें काले पानी की सजा देता हूँ। काले पानी की? मेरे को नींबू पानी की सजा दो देनी है तो मेरे को काला पानी वगैरह। वकील साहब, आप दो मिनट के लिए सांस रोक के प्लीज। क्यों क्यों क्यों? सबने ले लिए सांस भाई, सारी ऑक्सीजन आप ही खींच रहे हो। झूठ नहीं बोलता मैं, गणपति महोत्सव चल रहा है, लेकिन मेरे को आपका मुंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपकी बॉडी के साथ जाइन राइस को डिलीट करा दो मुंह को। मेरा मुंह है कोई मोबाइल का एप्लीकेशन है कि डिलीट कर दूं मैं? डिलीट कर दूंगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, बुलेट ट्रेन आ रही है? हैं? नहीं तो? तो ये झाड़ियों की साफ कराई आपने? एक शब्द भी अगर आपने और कहा ना तो ऐसा हाल करूंगा कि सारे के सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे। तारीफ कैसे करेंगे? नहीं नहीं, मैं इनको फांसी पे चढ़ा दूंगा ना, फिर लोग आएंगे और कहेंगे जैसा भी था आदमी अच्छा था। तारीफ हुई? काश ये चुटकुला हंसी वाला होता। कसम से आपका मुंह उतना गंदा नहीं लगा जितना गंदा आपका चुटकुला था। मुझे आपका चुटकुला सुन के वो आ गया अपना, वो आ रहा है अपना वो टॉयलेट नहीं गुस्सा। तो गुस्सा आ रहा है तो उंगली क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मुझे गुस्से में टॉयलेट आता है हमेशा। मैं कंगना जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया सिर्फ। अच्छा। नहीं तो मेरी वाइफ भी मुझे मिलने को बुला रही थी। हाँ। मैंने कहा तुमसे मिलने कल आऊंगा, मैं फिलहाल कंगना से मिलने जा रहा हूँ। वाइफ से मिलने क्यों जाना पड़ा? साथ में नहीं रहती है? नहीं, वो अपने पति के साथ रहती है। ओ, अब मैं कसम से बताऊं, जब आपकी फैशन फिल्म आई, मैंने सेम वो वाली साड़ी बनवा के पहनी, मैं नाचा बड़ी खुशी में। वो तो मेरे पिता ने रोक दिया, नहीं तो मैं जल में बिखरने वाला था। देखिए आपके जलवे हम बाद में देख लेंगे, मेरे केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो कंगना जी, पहला जो आरोप है वो हमारे मोहल्ले की 50% महिलाओं ने आप पे लगाया है। क्या? बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, सपना पे अत्याचार बंद करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपने तो कहा था 50% महिलाओं ने इल्जाम लगाया हुआ है। हाँ तो ये 50% महिला ही है। बाकी का 50% तो गोविंदा है ना। और जिस दिन गोविंदा यहाँ पे आ जाए उस दिन ये 0% हो जाती है, भाग जाती है ये। बंद करो भाई, बंद करो, गोविंदा का डांस करना बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, दोस्तों को छोपे लाना बंद करो। अभी तो कुछ नहीं बोलेगा बीच में, मेरे को कंगना जी से बात करने दे। हाय कंगना जी। Hello. कैसे आप? Very good. आप अच्छे है ना? क्या हाँ जी, क्या हुआ? मेरा लव लाइफ बहुत खराब चल रहा है कंगना जी। अच्छा? कोई मेरे को प्यार ही नहीं करता। अच्छा? अभी हालांकि लॉकडाउन में एक जंगली लड़के के साथ मेरा अफेयर हुआ था। है? हाँ, जंगल में ना मिला था। हाँ। वो मेरे को उससे बहुत प्यार था। हाँ। फिर उसके परिवार वाले मेरे को देख के बहुत खुश हुए। उन लोगों ने मेरे को घर पे बुलाया था। फिर अपना कॉस्ट्यूम भी पहना ऐसा पत्ते वाला। और फिर मेरे को ऐसा हल्दी लगाया उन लोगों ने। फिर मेरे को ऐसा बेसन लगाया। लेकिन जब वो मेरे को कढ़ाई में डाल रहे थे ना, तब मेरे को अर्चना जी रियलाइज हुआ कि मेरे को उधर एज लवर नहीं है, डिनर बुलाया है। फिर मैं उधर से ना भाग गई। हाँ, मैंने भागती है बहुत कमाल का है। जिस दिन गोविंदा जी का एपिसोड होता है उस दिन तो 100-200 किलोमीटर दूर भागती है ये। ओए मुगलों के हाथी धोने वाली औरत, ये बताओ इधर करने क्या आई हो? अबे ओ, मुगलों के युद्ध में भागी हुई घोड़ी के बाल छीनकर अपने सर पे बाल लगा के जज बने हुए आदमी। मैं एक्चुअली यहाँ पर कंगना जी पे केस करने आई हूँ। अच्छा, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को आपका मुंह अभी भी पसंद नहीं है। मैं इंतजार करूंगा। कमाल की बातें कर रहे हैं यार, इन सबको छोड़िए, तुम्हें आरोप लगाना था ना इल्जाम। हाँ, लगाओ इल्जाम। दो मिनट खड़ा हो, मेरी पीठ थक गई। दो मिनट खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा। अरे वकील साहब, आप भी खड़े खड़े रह के से थक गए रहेंगे ना। हो गया हूं। हाँ, तो मैं बैठती हूँ। अरे मेरा इल्जाम है मैम, मैम आपसे मैं मिल चुकी हूँ ना पहले। हाँ जी। आप यहाँ पर आए थे। हाँ जी। मेरा पार्लर था इधर। इस आदमी ने मेरा पार्लर तोड़ दिया मैम। और जब अपनी चीज टूटती है तो अंदर से क्या फीलिंग होती है ये तो आपको अच्छे से ही पता है। ये क्या हो रहा है? अब अगर आपकी आवाज आई तो मैं सबको अंदर करवा दूंगा। तू अंदर करवाएगा? हाँ।
तू खुद 4 साल बाद नए शो पे आएगा बुढ़े, तू क्या हमको अंदर करेगा? हाँ, तू अंदर जा, समझा? और अपना म्यूजिक का प्रैक्टिस करिए, गाने पे वो गाने पे गाना, बुआ बुआ। ये जो तू करता रहता है ना, मैम ने भी बोला ना एक ही गाना करता है वो मैम। हाँ, जा नया गाना कर, फुट ले। और सुन सुन सुन, हाँ, तू भी कल फैमिली को लेके लोनावाला घूमने चले जाना। काय को? गोविंदा जी आ रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। नतीजे में बड़ी जल्दी पहुंच गया, परसों तेरा दादा शराब पी के नाली में गिरा, उधर पहुंचा नहीं तू। वो तो दादाजी ने सिखाया था ना, गिरी हुई चीज नहीं उठाते। ए फालतू की बातें बंद करो। मैम, मेरे को इंसाफ चाहिए। और मुझे इसका मुंह साफ चाहिए, मेरे को हजम नहीं हो रहे दोनों के मुंह। इरिटेटिंग। ठीक है, तो अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि सपना के साथ गलत हुआ था, इसलिए इसका पार्लर बनना चाहिए और मुंह डिसमेंटल हो जाना चाहिए। अगर तूने अच्छी बात की होती ना, तो मैं तेरे को दाद देती। लेकिन तूने जो ये बात की है ना, मैं तेरे को पात देती हूँ, जा। और वो भी इसका। इतना तो ये बड़ी बदबूदार दलीलें दे रहे हैं आप लोग। तू ही बन जज, मेरे को नहीं बनना। भी तेरे को तो गिफ्ट ही बड़े अजीब जी मिल रहे हैं, मैं वकील ही ठीक हूँ। कंगना जी, आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए, आपका पार्लर मैं बनवाऊंगा। अबे वो डबल स्टोरी मुंह वाले आदमी, उनका पार्लर नहीं टूटा है, मेरा पार्लर टूटा है। अरे टूटा तो उनका भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक पार्लर ही बनवा पाऊंगा। अच्छा कंगना जी, देखिए इसका खुद का बॉडी का कंस्ट्रक्शन तो खराब है, मेरा पार्लर ये कंस्ट्रक्ट करेगा, बढ़ाया। और मेरे पीछे क्या पड़ी रहती हो यार, तुम्हें इल्जाम लगाना था। नहीं, इस बार तुम्हें आरोप लगाना है। हाँ, हाँ, लगाओ। लगाऊं? मेरा आरोप कंगना जी पे है। कंगना जी, आप इतनी खूबसूरत क्यों है? सच्ची में मैं बताती हूँ, हमारे नाला सुपारा में जितने लड़के लोग हैं वो सारा दिन कंगना कंगना करते रहते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं है, कोई घास ही नहीं डालता, ये मेरा आरोप है इनके ऊपर। नहीं ठीक है, आरोप है तो है, लेकिन मैं टेक्निकली जानना चाहूंगा कि भाई तुम्हें कोई देखेगा क्यों? वहां देखो, वो है परी, तुम झाड़ के बिछाने वाली दरी। नहीं कंगना जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सुबह सुबह कैटरीना कैफ बन के अपने घर से निकलती है, जरा सी बारिश आती है मोहम्मद कैफ बन जाती है। मैं चाहे कुछ भी बनूं, तेरे से क्या लेना देना, तू चल फुट ले। कितना लूं? 5 फुट ले। मैं 5 फुट का, मैं 7 फुट लूं? मैं 20 फुट गाड़ दूंगी तेरे को जमीन के अंदर। बकवास बंद करना। अंकल, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे अंकल जी, इसके मुंह पे 2-4 बातें करो ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ इसका मुंह उड़वा दो किसी को बोल के। मैं कसम से बोल रहा हूँ, जैसे आपको भगवान ने फुर्सत में बनाया, इसको उसने किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाया। उन्होंने ढाबे वाले को दे दिया, उसने मिट्टी इकट्ठी की, ऐसे देखा नहीं वो और इकट्ठी की, कहता चलो जाओ जी ले अपनी जिंदगी। ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है। मजा आया, मजा आया। अगला आरोप मैं लगा, पहले आरोप तेरे पे सर्कस वालों ने लगाया। क्या? वो लोग कह रहे हैं कि इनको हमने साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी और ये छोड़ के इधर भाग आया, 2 छोटे हाथी रो रहे, चाचू भाग गए। चलो दो। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं आप उससे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, चलो 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 चलो। ये आप किससे बोल रहे हैं? वो कंगना को देख के मेरा फ्लड बाहर निकल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि चलो चलो आज नहीं निकलना, कंगना की तबीयत ठीक नहीं, फिर किस दिन ठीक होगी फिर फ्लड करें। चलो भाई, उनको देख के तो फ्लड बाहर निकलता है, पता है इसको देख के मेरी चप्पल बाहर निकलती है। तू चप्पल नहीं, अपनी गर्दन बाहर निकाल रहे। हाँ कंगना जी, देखो जैसे जैसे फैलता जा रहा है ना, इसकी गर्दन अंदर धंसती जा रही है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, अपने आप को संभाल, वरना 6-8 महीने बाद ना कछुआ जैसा निकलेगा। सोनी साहब, ये सपना को हटाइए यहाँ से, इनको हटाइए, वरना मैं गोविंदा जी को बुला लूंगा। मैं बुला लूंगा गोविंदा जी को, मैं कह रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या चाहिए भाई आपको? मैं सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, कड़ी चावल। हाँ, मेरे भी। और मैं कोर्ट का जज हूँ। हाँ, तो हथकड़ी चावल। हाँ। और देखिए कोर्ट की मर्यादा बनाइए। हाँ। मर्यादा छोड़, तू चिकन 2 प्याजा बना। हाँ ठीक। और मैं कोर्ट का जज हूँ। तो मुर्गे को फांसी देके उसके बाद बना दो, चिकन 2 प्याजा तो बनाओ तुम। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। है भी ऑर्डर, चिकन 2 प्याजा बननी, अगला ऑर्डर ले रहा। चल मैं इस्तीफा देता हूँ।
तो फिर ग्लास दोगे देना? मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, चाय नहीं दे रहा हूँ. इस्तीफा देने के बाद क्या करोगे? चाय बेचोगे तो अभी दे दो. थोड़ा तुम्हारे मुंह पे मारना है. मैंने अपना मुंह तेरे थोड़े पे मार देना है. ओए सीरियसली टर्किश चुड़ैल लगती है. मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर बैठी हुई है. हाँ. आप लोग इस तरह लड़ोगे? बिल्कुल. कम से कम इस तरह तो लड़ो. देखो अभी हाथापाई हो गई है. उनका धन्यवाद करो कोर्ट में. चलो धन्यवाद. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से. थैंक यू कंगना. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.